इलाका डूब गया है, घर गाड़ियां यमुना के पानी में डूब गए हैं। जरा तस्वीर देखिए, ये आपको हम जो आसमानी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि पानी कितना भरा हुआ है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों का सामान डूब गया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि उन तक अलर्ट ही नहीं पहुंचा कि बाढ़ का पानी यहां तक पहुंचने वाला है, और जब पानी उनके घरों में भरने लगा तब वो अपने घर से जान बचाकर बाहर की तरफ निकले हैं। लेकिन अपना रिकॉर्ड तोड़ होगा जो बहुत भयानक होगा, इसलिए आपको यहां पर बुलाया गया 2023 में कि आप लोग प्रार्थना करें, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके जन जो भी यहां पर रहते हैं, सामान नहीं निकाल सके। इस बीच कई गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, और अब यहां पर धारा 144 लगा दी गई है ताकि लोग यहां पर ना पहुंचें। फरवरी के बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो लोगों को इसके पहले कोई अलर्ट नहीं मिला, और यही वजह रही कि वो अपना सामान नहीं बचा सके। कई लोगों का भारी नुकसान इस बीच हुआ है, और दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त आपको ये बोट तैरती हुई नजर आ रही है। खत्म होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम होने वाली है अलग अलग, किसी तरीके से। ये पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना में दिखाया था, और मैं अब से नहीं बोल रहा हूँ, 3 साल से बोल रहा हूँ। अब 2023 में आपके साथ आपको पता लगेगा बहुत सारे लोगों का पैसा रखा हुआ नाश हो जाएगा, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में जाएंगे। लेकिन 2023 के बीच में आपको प्रधानमंत्री मोदी जी एक कानून लेकर आएंगे 2023 में। लेकिन इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, चाहे आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, आना ही आना है। मैंने कहा था बड़े तूफान भूकंप आएंगे, तूफान आ गए, अब भूकंप की बारी है। मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ भूकंप आ रहे हैं, और जबरदस्त आ रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ तभी आते हैं भूकंप। मुझे पता है यीशु मसीह ने पहले से लिखा हुआ आंधी तूफान भूकंप आएंगे, लेकिन प्रभु मुझे जब दिखाता है तो फिर आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ कानून मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छे के लिए आएंगे, आपके लिए, अपने भारत के लिए भी कुछ कानून अच्छे के लिए आएंगे। गरीबों का फायदा होगा उसमें, मीडियम लोगों का फायदा होगा। आपने महसूस किया होगा मेरे भाई बहनों कि जब हम परमेश्वर में आए तो हमारे बुरे होने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आभास हो जाता है, और हमें एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि हमें इस चीज़ पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर महसूस करा देता है। उसी प्रकार जब प्रॉफिट भविष्यवाणियाँ करते हैं, जब उनके अंदर ये गॉड ने ये चीज़ रखी है, प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर ये आभास कराया कि जब वो किसी के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें वो चीज़ महसूस होती है, चाहे वो देश के बारे में हो, चाहे वो हमारे जीवन के बारे में हो, चाहे वो किसी भी रीति से, किसी भी सामाजिक, किसी भी प्रकार की बात क्यों ना हो, परंतु मानना हमारे भीतर है, हम मानते हैं, इसीलिए आज हमारी चीज़ों को प्रभु समझता है। हम प्रभु को मानते नहीं, प्रभु को जीवित मानते हैं। हमें बोलना चाहेगी तो किसके द्वारा बोलना चाहेगी? वो हमारे लिए किसी ऐसे मनुष्य के हृदय में आके बोलेगी जो परमेश्वर को मानता है। वो हमारे लिए, वो हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे बच्चों के मुँह पर आके बोलेगी, जो पवित्र आत्मा है, जिसने पाप छोड़ दिया, जिसने पाप की संगति छोड़ दी, जिसने बुराइयां छोड़ दी, जिसने कुकर्म छोड़ दिया, जिसने परमेश्वर की सेवा को अपना जीवन बना लिया, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से बात करते हैं जो परमेश्वर के नियम और अनुशासन पे चलते हैं, जो परमेश्वर के कहने पे चलते हैं। मेरे भाई बहनों, आज ये जो कोट मैंने डाला है ये एक सफ़ेद रंग का है, और आप देख सकते हो जब सफ़ेद रंग किसी भी रंग से रंगा जाता है तो वो कलर दिखता है। वैसे ही परमेश्वर को भी हर एक बुराइयों के रंग दिखते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, हमारे कुकर्म उन्हें दिखते हैं, हमारी गंदी सोच उन्हें नज़र आती है। परंतु हमें मानना है और ये जानना है कि हम पवित्रता से कैसे चलें, और प्रॉफिट जी और जो भी भविष्यवक्ता है और जो भी आज हमारे वचनों में लिखा है परमेश्वर के नाम से, उन सब पर हमें अमल करना पड़ेगा, तभी हम बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे और सुरक्षित होंगे। तो इन बातों को माने मेरे भाई बहनों, और प्रभु की महिमा में जुड़े रहें। आपको हर एक आशीष मिले जो आप
आज ख्वाब देख रहे हो वो पूरे हो जाए, और जो आज आप बीमारियों से लड़ रहे हो वो बीमारियां ठीक हो जाए, जिन समस्याओं के लिए आप आज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाए, मेरा विश्वास है। और आप सब के लिए मैं दुआएं करता हूँ, जो लोग आज मुझे आज मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआएं करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें 4 गुना आशीष दे, उनके मांगने से पहले और उनके सोचने से पहले परमेश्वर उनके लिए करे। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ऐसे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम प्रभु के द्वारा हमारे लिए प्रकट करें। आमीन।